पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को शायद ही कोई समझ पाए। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में सपा को खत्म करने के लिए भाजपा ने बसपा को आगे किया था और अब वही बिहार की राजनीति में किया जा रहा है। अब तक बिहार में भाजपा अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी, लेकिन अब भाजपा ने अपना दांव कुछ इस तरह खेला है कि आने वाले दिनों में भाजपा जो चाहती है उसे पूरा कर लेगी। भाजपा ने अब बिहार में भी यूपी वाली राजनीति शुरू कर दी है। भाजपा ने बिहार में आरजेडी और जेडीयू को पछाड़ने के लिए आरजेडी के नीतीश को एक बार फिर से साथ ले लिया है। भले ही राजनीतिक मंचों पर भाजपा ने नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोसा हो, लेकिन अब भाजपा वो सब भूल चुकी है और फिर से भाजपा और नीतीश एक होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने भी सदन में चीख चीख कर कहा था कि अब वो भाजपा में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति तो राजनीति ही होती है। एक बार फिर मयान से बाहर आकर नीतीश ने करीबी लालू को धोखा दिया है और भाजपा से हाथ मिला लिया। बिहार में चल रही राजनीति की इस उठापटक में आजकल सोशल मीडिया पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि हमने एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को उठाया है और जब पहला कांटा निकल गया तो दोनों कांटे फेंक दिए। आपको बता दें कि इसमें पहला कांटा समाजवादी पार्टी है और दूसरा कांटा बीएसपी है। आपको बता दें कि एसपी और बीएसपी के बीच की दरार ने उत्तर प्रदेश में 2002 से 2012 के बीच खत्म हो चुकी बीजेपी को 2017 में दोबारा ऊपर उठने का मौका दिया और अब यही होने वाला है बिहार में। आरजेडी और जेडीयू ने बीजेपी का रथ बिहार में रोक रखा था। आज तक बीजेपी इस राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस तरह की बीजेपी बिहार में भी एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे को उठाए हुए है और जब पहला कांटा निकल जाएगा तो दोनों कांटे फेंक दिए जाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।